एवरी वन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप्स में ये हेलो आई मेकअप कैसे कर सकते हैं बहुत ही ईजी है इसको करना तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले मैं आईब्रो बना रही हूं और यहाँ पे इसके लिए मैंने बेनिफिट का आईब्रो पोमेड यूज किया है और इसका नंबर है फोर पॉइंट फाइव और ये जो ब्रश है इसके साथ में ही आता है इसकी हेल्प से मैं इस तरह से आईब्रो फिल कर रही हूँ आप चाहें तो कोई दूसरा अफोर्डेबल ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कुछ आईब्रो पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं मेबिलिन में आती हैं या फिर शुगर में आती हैं आईब्रो पेंसिल वगैरह वो भी अच्छी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और उनसे एक काफ़ी अच्छा सा एक नेचुरल सी फिनिश आती है आईब्रो की तो ये जो मैंने पोमेड यूज़ किया है काफ़ी ये लॉन्ग लास्टिंग है और यहाँ पे अब मैंने कंसीलर लिया है ये भी बेनिफिट का है और ब्रश मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है ये जोइवा का ब्रश है और फ्लैट ब्रश है ये स्पेशली आईब्रो के लिए तो इस तरह से आईब्रो के नीचे इसको हम लगा कर कंसीलर को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है थोड़ा लेकर ही इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके ब्लेंड कर देंगे तो जैसे कि देख सकते हैं आप आईब्रो हमारी एकदम नीट एंड क्लीन सी लगने लगी है यहाँ पे कंसीलर हमने और लेके आईलेट पर इस तरह से और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम यहाँ पे इसको ब्लेंड कर देंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों में से और इसको करके हल्का सा यहाँ पे लूज़ पाउडर हमको ज़रूर लगाना है और ये शेड अब मैंने लिया है ये डब्ल्यू सेवन का पैलेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और मैं ब्लेंडिंग ब्रश मैंने सबसे पहले लिया है और इसको इस तरह से बहुत ही लाइटली यहाँ पे हम लगा देंगे क्रीज में और अब ये ब्राउन वाला शेड मैंने लिया है तो इसको भी मैं क्रीज़ पर लगाऊंगी और उसके बाद इसको आईलेट पर भी मैं लगाऊंगी और हर बार मैं थोड़ा थोड़ा कलर आपको लेकर और इस तरह से आपको ब्लेंड करना है इसको जिससे कि बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कहीं पे ज़्यादा कलर है कहीं पे कम है या थोड़ा पैची है तो थोड़ा थोड़ा ले हर बार आप इसको ब्लेंड करते जाइए और यही वाला कलर इसको मैं यहाँ आईलेट पर भी लगा रही हूँ इस तरह से अब ये हल्का सा पिंक मैंने शेड लिया है थोड़ा सा Uh, बस ऐसे ही लगा लिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा सिर्फ इसलिए तो इसको मैंने ये क्रीज़ पे लगाया था हल्का सा हल्का सा पिंक स्टोन लग रहा था तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था अब इसके बाद ये डीप वाला ब्राउन शेड हम लेंगे और इसको हम दोबारा से यहाँ आईलेट पर इसको इस तरह से लगा देंगे और ये मैंने कंसीलर लिया है अब और ये फोक का कंसीलर है और ये इसका नंबर है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और फिंगर में ही मैंने लिया है बहुत हल्का सा और इस तरह से मैं सेंटर में इसको लगा रही हूँ तो मतलब आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही इजी सिंपल लुक है ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप स्पेशली बिगिनर हैं अगर आप तो इसको बीच में लगा कर और हम इस तरह से थोड़ा ब्लेंड कर देंगे अब ये मैंने गोल्डन वाला शेड लिया है इसी पैलेट में से और जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पर मैं इसको फिंगर से ही मैं लगा रही हूँ तो इस तरह से लगाकर और हल्का हल्का हमको ये ब्लेंड करना है और ग्लिटर मैंने लगाया है अब राइट वाला ऊपर जो ग्लिटर है गोल्डन वो मैंने यहाँ पे लिया है और जहाँ पे हमने ये लगाया है गोल्डन वाला शेड उसके ऊपर ही हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और अब ये दोबारा से डीप ब्राउन वाला शेड मैंने लिया है और इसको मैं लगा दूंगी साइड साइड में और यहाँ पे इस तरह से हम इसको थोड़ा सा डीप कर देंगे दोनों तरफ हम इसको इस तरह से लगा देंगे और दोबारा से ये गोल्डन वाला शेड मैंने अब लिया है और इसको आईब्रो के जस्ट नीचे हम इस तरह से इसको लगा देंगे और लाइनर मैंने लिया है अब और ये एसेंस का लाइनर है और यहाँ पे इस तरह से ये इसको लगा देंगे हम मैं यहाँ पे विंग्ड लाइनर बना रही हूँ आप चाहें तो बनाएं नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर लाइनर आपको नहीं आता है ठीक से तो यहाँ पे मैंने ये विंगड लाइनर बना दिया है और अब दोबारा से ये वाला शेड हम लेंगे ये लाइट ब्राउन जो शेड है और इसको इस तरह से लगा दूंगी मैं फ्लैट ब्रश मैंने लिया है और ये मौर्फी का ब्रश है आप चाहें तो इसकी जगह पे पेंसिल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छे से लग जाता है उससे भी और इसके बाद अब यहाँ पे मैंने कीको का काजल यूज़ किया है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा काजल है ये तो ये मैंने लगाया है यहाँ पर और ये हम दोबारा से गोल्डन वाला शेड लेके मैंने लगाया है और इसके बाद मैंने लाइनर भी एक लगाया था एक्सटेंड करके उसको वन थर्ड एरिया में तो वो मैंने लगाया था यहाँ पे मस्कारा मैंने लगा दिया है और ये भी बेनिफिट का मस्कारा है कोई भी दूसरा मस्कारा आप यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ लोअर लैशेज़ में भी इसको लगा देंगे हम और इसके बाद ये मैंने लैशेज़ ली हैं और ये प्राइमा की लाशेज़ हैं हॉली इनका नाम है तो ये लैशेज़ और साथ में ये वाला ग्लू मैंने लिया है डुओ ग्लू और ख़त्म है यहाँ पे आई मेकअप तो ज़रूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोस के लिए और मुझको आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बाय